स्कूल के अंदर का रहस्य जो बच्चों को झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा। ऐसा क्या चल रहा है स्कूल के अंदर? बात 12 अगस्त की है, जब सौम्या जायसवाल 10वीं कक्षा का छात्र अपने स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल की ही ड्रेस में फांसी लगा लेता है। उसके बाद उसके परिवार द्वारा मीडिया के सामने उसकी क्लास के बच्चों से उसके बारे में पूछा जाता है। तब बच्चों का कहना होता है उसको डायरेक्ट हेमंत मित्तल द्वारा पाइप से मारा गया। क्लास टीचर रुचिरा नायर द्वारा लगातार 4-5 दिनों तक मेंटली टॉर्चर किया गया। अब वही बच्चे झूठ बोलने पर मजबूर हैं। बच्चों का कहना है हमारे मुंह से गलती से निकल गया। मामले को दबाने के लिए हर संभव कोशिश स्कूल के डायरेक्टर हेमंत मित्तल द्वारा की जा रही है। पुलिस प्रशासन और मृतक के परिवार जन को गुमराह किया जा रहा है। पहले कुछ लोगों द्वारा मृतक सौम्य जायसवाल के परिवार वालों तक मिलाने के लिए खबर पहुंचाई गई। उनका कहना था आपके बच्चे का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब परिवार के लोगों ने यह जानना उचित समझा, 1 सितंबर को हेमंत मित्तल से स्कूल में ही मिलने पहुंचे। तब हेमंत मित्तल द्वारा ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग ऑडियो या वीडियो परिवार के लोगों को नहीं दी गई, ना सुनाई गई। उल्टा मीडिया के सामने हेमंत मित्तल द्वारा परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। मैं कुछ कर लूँगा और आप सभी लोगों को फंसवा दूंगा। वंदे भारत से नवीन कुमार की रिपोर्ट। यही वो स्कूल है जहाँ पे सौम्य जायसवाल ने 12-8 को स्कूल से जाते जाने के ठीक आधे पौन घंटे बाद स्कूल की ड्रेस में ही सुसाइड कर लिया। आइए हम क्लास दिखाते हैं। यही वो स्कूल है जहाँ पे सौम्य जायसवाल 12-8 को इस स्कूल से जाने के बाद उन्होंने सुसाइड किया। ये उस बच्चे की क्लास है जहां 12-8 को उसका क्लास में आखिरी दिन था। हम आपको क्लास दिखाते हैं बच्चा के साथ। प्रिंसिपल और क्लास टीचर का कहना है कि सौम्य जायसवाल वो कुछ पाउच गुटखा जैसी चीजें खाता था। उसकी क्लास जहां पर बेटा को सीट ये बताई जा रही है, यहां पर बच्चा बेटा था जो गुटखे के निशान है। टीचर का कहना है कि वो पाउच गुटखा सुपारी ऐसा कुछ खाते थे जिससे वो यहाँ पे छूटते थे। बच्चे के पेरेंट्स का कहना है कि टीचर द्वारा उसे पीवीसी पाइप से मारा जाता है। दूसरे जो बच्चे हैं इसी क्लास के स्कूल के, उनके भी पेरेंट्स का यह कहना है कि टीचर द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चे की जो क्लास टीचर है रुचिका नायक, उनका पक्ष लेने पर उनका कहना है कि हमारे द्वारा किसी भी तरह से बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जाता है। बच्चों में आपस में कुछ चलता रहता है। प्रिंसिपल हेमंत जी का कहना है कि बच्चे का किसी लड़की से कुछ अनबन चल रही थी। उस लड़की का नाम उन्होंने नहीं बताया। हमारे द्वारा पूछा गया कि ये जानकारी आपको कहां से मिली, तो उनका कहना है कि उन्हीं के दोस्तों द्वारा ये बताया गया है जो बच्चे के क्लास टीचर क्लासमेट है। यही वो स्कूल जहाँ पे बच्चे ने आखिरी दिन 12-8 को इस क्लास में स्कूल से जाने के आधे पौन घंटे बाद स्कूल की ही ड्रेस में पहले एक रस्सी खरीदी, उसके बाद पूरा सुसाइड प्लान उसने यहाँ स्कूल में बना लिया था। स्कूल से जाने के ठीक बाद स्कूल की ड्रेस और बैग साथ में लेकर उसने मौत को गले लगा दिया। अब ऐसा क्या हुआ था स्कूल में या स्कूल टीचर द्वारा या बच्चों द्वारा, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। बच्चे ने अपने शरीर के साथ जो भी खिलवाड़ किया, स्कूल टीचर और प्रिंसिपल का कहना हमारी जानकारी में कुछ भी नहीं है। इस मौत का जिम्मेदार कौन? मैं नवीन कुमार,
क्या क्या बोलते थे ये? तुम्हारा भाई था, तुम्हारी उम्र का था। क्या बोलते थे टाटा? क्या टीसी देने का बोलते थे, फेल करने का बोलते थे? पुलिस से भी नहीं डरते? पुलिस से भी नहीं डरते? क्या बोलते थे? बोलते थे हमको किसी का डर नहीं है, तुम हम तो बोलेंगे हमने गलती करी इसलिए मारा है।